some typical crystal structures. आज हम सबसे पहले क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर या गार्ड बंधित संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह की संरचना के अंदर दो सबसे मुख्य संरचना है, एक है फलक केंद्रित और दूसरी है षटकोणी गार्ड बंधित। बेसिकली जो FCC स्ट्रक्चर है फलक केंद्रित, वो और षटकन, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो बनता है तो करीब करीब समान सा होता है और इनके बॉन्डिंग जो होते हैं वो दिशात्मक नहीं होते हैं। इनके जो इस तरह के, सबसे पहले अपन देखते हैं फलक केंद्रित घनाकार और षट केंद्रित में मुख्य डिफरेंस क्या है। तो हम इसको समझने के लिए मानते हैं कुछ गोलों को अगर हम एक दूसरे के पास सटा कर रख दें, तो जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं नीचे ए लिखा हुआ है, ये मान लेते हैं कि ज़मीन पर रखा है या किसी एक सरफेस के ऊपर जस्ट सबसे लोअर लेवल पर रखा हुआ है। तो एक बार जब हमने इस तरीके से रखा तो हम ये देखते हैं कि एक जो सेंटर है ये ए, इसके चारों तरफ आप देख सकते हो कि 6 गोले आ गए हैं। यानी कि एक अगर सेंटर है तो इस ए के, ये अगर मान लो एक सेंटर मान लेते हैं, इसका ए है ये, तो इसके चारों तरफ 6 हैं। और अगर इन सब के सेंटर को मिलाते जाएं, ये बाहर जो 6 लेटिस पॉइंट्स या स्फीयर हैं, इनको अगर 6 को मिलाएंगे तो ये एक तरह से षटकोण बनेगा। ये आप देखिए इस तरीके से, तो ये पहला लेयर हुआ। अब उसके बाद में दूसरा लेयर हम कैसे बिछाते हैं या तीसरा लेयर हम कैसे बिछाते हैं, इससे तय होगा कि हमारा स्ट्रक्चर है वो फलक केंद्रित घनाकार बनेगा अथवा HCP या षटकोणी बनेगा। तो पहले तल को हमने मान लिया कि वो ए लेयर है। अब दूसरे गोले के अंदर जो है उसको अपन मान लेते हैं बी लेयर के अंदर रखा, तो बी कहाँ पर हम रख रहे हैं, जो ए के बिल्कुल ऊपर, जो जैसे आप ये देख रहे हैं इसके अंदर कि तीन जो ए रखे हैं उनके बीच के गैप में एक बी रखा, फिर इन तीन के बीच के गैप में एक बी रखा और इन तीन के बीच के गैप में एक बी रखा। तो ये हमारी एक दूसरी लेयर बन गई। इस तरह से पूरा एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे बी लेयर। अब गोलों की तीसरी परत है उसको हम कैसे जोड़ें। अब गोलों की तीसरी परत को जोड़ने के लिए, अगर हम गोलों की तीसरी परत को, जो ये खाली स्थान है सी वाले, इस पर जोड़ें, बी के ऊपर एक तीसरी लेयर ऐसी बनाएं जो सी लेयर हो, लेकिन वो उसकी लोकेशन कहाँ हो, इन खाली जगह पर, जो पहले खाली जगह यूज़ हो चुकी है वो नहीं, दूसरे वाले। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा फलक केंद्रित घनाकार। लेकिन अगर हम दूसरे जो सी पॉइंट को बिल्कुल ए के ऊपर ही वापस रख दें तो फिर हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा HCP स्ट्रक्चर। यानी कि अगर स्ट्रक्चर हमारा ABC है तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया FCC, और अगर AB इस तरीके से चलता रहता है तो ये बनेगा HCP। अब देखिए आप इसके अंदर दोनों बने हुए, ये A, अगर अपने इधर से देखते हैं तो A, फिर ये B लेयर, फिर C लेयर, ये फलक केंद्रित घनाकार है। जबकि जो HCP स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर इस तरह से हम देख सकते हैं HCP स्ट्रक्चर, इसके दोनों जो ये भुजाएं हैं, ये दोनों नीचे की जो एक्स और वाई एक्सिस पे जो है ये ए होगा और ये हाइट इसकी सी है। तो HCP स्ट्रक्चर फलक केंद्रित के बारे में हम पहले इसका पढ़ भी चुके हैं और हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल चुके हैं। अब हम HCP को देखते हैं कि इसके अंदर एक परत में अंतर्वाणविक दूरी जो है वो तो ए है, लेकिन दो निकटवर्ती जो परत है उसके बीच में दूरी कितनी है, C/2। ये बीच में, जैसे मैंने बताया था सबसे नीचे अगर A है तो ये सेकंड लेयर पर B ये है और वापस ये A लेयर है, तो B और A के बीच की दूरी, जो A और A के बीच की दूरी अगर C है जो कि इसका यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल है, तो उसके बीच की आधी है। यानी कि दो निकटवर्ती परतों के बीच की दूरी C/2 है, और जो प्रिमिटिव सेल इसकी होती है वो इस डार्क लाइन से आप ये देख सकते हैं, और इसके अंदर एक प्रिमिटिव सेल के अंदर दो लेटिस पॉइंट्स हैं। एक तो ये, अगर ये पॉइंट है तो इसके साथ ये आ जाएगा, अगर अपन उधर वाली सेल लेंगे तो इसके साथ ये आ जाएगा, अगर इधर वाली सेल लेंगे तो इस तरह से तीन इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगर टोटल एक यूनिट, तो इस तरह से एक जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके अंदर हमको दो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर।
तो जो बेसिस इसकी बनी वो दो पॉइंट से बनी, एक तो 0 0 0 पर, और एक अगर अपन देखेंगे तो वो बनेगी 2/3, 1/3 और 1/2, 1/2 हाफ डिस्टेंस की वजह से, और दूसरे पॉइंट एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी पोजिशन से। इसका जो रेशियो होता है सी बाई ए वो है 1.633। इसको अपन अभी कैलकुलेट करके देखते हैं, और पैकिंग घनत्व तो इसका है 0.74। अब देखिए इसके पैकिंग घनत्व की अपन कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले इसको अपन वापस देखते हैं। आप इसको अज्यूम कीजिए कि ये नीचे की लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, और ये बीच में ये तीन पॉइंट्स हैं। ये बीच के तीन पॉइंट्स जो हैं, इस ऊपर का ये सेंटर पॉइंट और नीचे का ये सेंटर पॉइंट, ये इस बीच के तीन पॉइंट जो हैं, ये जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं उसके सेंट्रोइड से गुजरेगा। तो अब मैं इस तीन वाले पॉइंट को, जैसे इधर की तरफ आप ये देखिए बना हुआ है, ये तीन पॉइंट्स हैं, इसके सेंट्रोइड से यानी कि इसके सेंटर से ये ऊपर वाला पॉइंट गुजरेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अपन जब पैकिंग फ्रैक्शन की गणना करते हैं तो हमें मानते हैं कि अधिकांश हिस्सा भरा हुआ है। तो किसी भी, जैसा हमने सबसे पहले देखा था कि मान लो ये ए है, तो इसके अंदर कितने परमाणु इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं। तो एक अपन मान लें कि कोई एक आर त्रिज्या का एक परमाणु है, दूसरा भी आर त्रिज्या का है, तीसरा ये परमाणु ये भी आर त्रिज्या का है, और तीनों टच हैं। तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस हो गई 2r, लेकिन हमारे लिए ये क्या है, a है, जो इसकी लैटिस नेतांक के x और y डायरेक्शन के अंदर। तो ये बराबर होगा, इसका मतलब वो क्या हुआ कि ये सारे कोण 60 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पर अपन ने दिखाया नहीं है, लेकिन ये पॉइंट नहीं है जितना दिख रहा है, ये अपन ये मान रहे हैं कि ये इतने बड़े आर स्क्वायर के स्फीयर यहाँ पर रखे हुए हैं। अब ऊपर वाला जो ये पॉइंट है जो आप दिख रहा है, सेंटर वाला जो बी लेयर है, ये बी वाली लेयर के अंदर जो ये पॉइंट्स हैं, ये ऊपर से इससे जुड़ा हुआ है, इस हिस्से पर बैठा हुआ है। यानी कि बिल्कुल अगर कोई एक ये नीचे वाला अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं तो इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ एक बैठा है, लेकिन उस पॉइंट से ये अगर इस पर ये देखें, मान लो ये सेंटर वाला ऊपर वाला पॉइंट है, तो उससे भी इन तीनों पॉइंट्स जो है नीचे, इनकी दूरी क्या होगी, अगर ये है तो ये भी ए होगा, 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 ये सारे ए होगी। अब हमको निकालना है सी बाई ए का रेशियो, ठीक है, ए इक्वल टू 2r आ गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये हमको निकालनी है। अब इसको अपन कैसे निकालें, ये देखिए, अपन इसका एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था जो अपन ने बनाया, यहाँ की ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, इसका मतलब कि इधर का एक एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। हमको ये हमारा ऊपर से जो लेयर आ रही है वो यहाँ से क्रॉस हो रही है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, इसके अंदर यहाँ से इस पॉइंट से, हालांकि इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकिन अपन इसको थोड़ा सा समझने की दृष्टि से अलग कर रहे हैं, और यहाँ हमारा पर जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा सेंट्रोइड यहाँ होगा, ये सारे पॉइंट उससे मिलेंगे, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, और इधर वाला पॉइंट हुआ, और ये सारे जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये सेम है, लेकिन कितनी है ये हम निकाल रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए इसके अंदर। तो ये हमको ये डिस्टेंस निकालनी, मान लो कि ये डिस्टेंस आर है। अब ये डिस्टेंस कितनी है इधर की, ये सारी डिस्टेंस जो, चूँकि अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे है, तो ये a/2, ये सारी डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस अगर r है तो इस फार्मूले में देखिए ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो कोस ऑफ थीटा यानी कोस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू a/2 आधार बटा कर्ण r, तो r की वैल्यू हो गई a/2 अपॉन कोस 30, कोस 30 का वैल्यू है अंडर 3/2, तो ये हो गया a अपॉन √3। अब इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ रही है यहाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये है a अपॉन √3। हमको निकालनी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये सारी तीनों डिस्टेंस बराबर होगी क्योंकि सेंट्रोइड है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, सॉरी ये डिस्टेंस
ये भाई रूट थ्री है, और ये ऊपर से यहाँ से जोड़ने वाली इस पॉइंट की डिस्टेंस हमको निकालनी है। मान लो कि ये हाइट है h, तो ये h हाइट हमको निकालनी है। तो ये h पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना होगा, सिंपल h स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर कर्ण माइनस a स्क्वायर बाई थ्री, जो एक इसका स्क्वायर कर दिया और एक कर्ण में से इसको घटा दिया, तो ये हो गया 2a स्क्वायर बाई थ्री, या h की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 अपॉन 3a। अब इसमें देखिए, यानी कि लेकिन जो आपको एक बार फिर यहाँ से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ से अपन यहाँ की डिस्टेंस अभी निकाल रहे हैं, अगर आप ये देखें इसके अंदर, तो हमने अभी जो डिस्टेंस निकाली है वो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाली है, लेकिन टोटल सी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो वो इस जो डिस्टेंस एच अभी अपने निकाली है इसकी जस्ट दुगुनी होगी। तो सी अगर अपन निकालेंगे तो सी कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच, यानी कि 2 टाइम्स अंडर रूट 2 बाई 3 ए। तो कई बार ये आपको बुक्स के अंदर 8 बाई 3 भी मिलेगा ए, जिसकी वैल्यू आप निकालोगे तो सी बाई ए रेशो 8 बाई 3 विल बी इक्वल टू 1.633, ये हो गया इसका सी बाई ए रेशियो। अब ये एच सी पी स्ट्रक्चर सबसे क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर माना जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन जैसे आपने देखा 0.74 है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, दो चीज़ें चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, एक तो चाहिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट जो एटम्स के अंदर हैं उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल। अब हमने देखा था, जैसे एक बार फिर इसको आप देख लीजिए, ये हमारी यूनिट सेल है जो डार्क कलर के अंदर दिख रही है, ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल का हमको निकालना है वॉल्यूम, और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था इसमें दो बेसिस इसकी दो परमाणु की है, यानी कि एक जो दोनों पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इस यूनिट सेल के हैं, इसके तो चूंकि इन सब का कंट्रीब्यूशन वन होगा और एक बिल्कुल इसके अंदर है, इस पर दो बेसिस है। तो अगर मान लो आर त्रिज्या का एक स्फीयर है, तो इस यूनिट सेल के लिए इसके अंदर जो परमाणुओं का आयतन हो जाएगा वो 2 टाइम्स 4 पाई बाई 3 पाई आर क्यूब। और दूसरा अब हमको निकालना है इसका, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम। अभी यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, यूनिट सेल जो है वो, यूनिट सेल आप देखिए, ये यूनिट सेल अगर इस तरीके से है और वापस ऊपर की तरफ इस तरीके से, इसकी हाइट है सी, और ये जो नीचे है ये दो ट्रायंगल के अंदर आसानी से बांट सकता है, ये अगर अपन इधर से करेंगे तो ये एंगल भी 60 का हो जाएगा, इधर से करेंगे तो 30 का होगा, तो ये 60 डिग्री का एक एंगल है। और अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालें, एरिया कितना होगा, इसमें टू ट्राइंगल्स है, टू इंटू, हर एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका जो यहाँ पर आधार इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल है, तो ये हुआ आधार, यहाँ से देखिए, या अगर इसके अंदर देखेंगे किसी भी उसमें देखेंगे सिमेट्रिकल है, आधार कितना हो जाएगा ए। क्योंकि यही डिस्टेंस है इसकी, ये अपन ने इसमें देखा था, आप एक बार फिर इसको चेक कर लें, ये देखिए सारे पॉइंट्स जो हैं वो ए डिस्टेंस, ये पॉइंट्स जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे पॉइंट्स ए हैं। तो इसका जो बेस होगा वो तो ए हो जाएगा, और ऊंचाई कैसे निकलेगी, अगर अपन इससे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये तो ए है, तो लंब अपॉन कर्ण इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा 60 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब विल बी इक्वल टू
ए साइन थीटा। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इसकी हाइट सी है तो ये सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में इसका वॉल्यूम आ गया ए इंटू ए साइन 60 इंटू सी। और जो यूनिट सेल के अंदर जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है, 2 × 4/3 πr³। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन पी विल बी इक्वल टू (2 × 4/3 πr³)/(a)(a)(sin60)(c)। अब इसको कैलकुलेट करो तो 8 πr³/3, a इज नथिंग बट 2r, 2r sin 60 is 3/2, और c इज नथिंग बट √8/√3 × a। तो इसको फिर देखो आप, 8 πr³/3 × 2 × 2 × r² ये √3 से √3 कट गया, तो √8/2/2r। देखिए 2 2 2 मिलके 8 हो गया, तो ये भी कट कट जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2πr³ नीचे रह गया 3√8। इसको हम कर सकते हैं 2π/3 × 2√2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन पी विल बी इक्वल टू π/3√2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.74।